और हमारे सामने यहाँ पर देखिए जो ये देखिए हमारा ये हमारा एक पावर आईसी है जो हमारा इंडक्शन कुकटॉप में या फिर किसी पावर सप्लाई साइड में हमारा ये जो पावर आईसी लगा होता है इस आईसी के नंबर आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर PN8124F इस पावर आईसी के नंबर है। तो मैं यहाँ पे दूसरे पावर आईसी के नंबर आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए इस पावर आईसी की जो यहाँ पर देखिए वाइपर 12A इस पावर आईसी के जो सीरियल नंबर है वाइपर 12A। तो आपको यहाँ पर जो दो पावर आईसी देखा आप लोगों ने तो इन दो पावर आईसी को मैं आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगा ये ख़राब है या फिर सही। इसको कैसे पहचानेंगे तो इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए आप मल्टीमीटर के उपयोग करेंगे। मल्टीमीटर को हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी के सेट कंटिन्यूटी के मोड में हम सेट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कंटिन्यूटी में सेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर पहले हम यहाँ पर देखिए हमारा जो PN81 जो पावर आईसी है इसको मैं यहाँ पर लूँगा। देखिए यहाँ पर नीचे की साइड से और ऊपर की साइड में हम यहाँ पर देखिए हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस पावर आईसी में यहाँ पर देखिए हमारा चारों लेग में यहाँ पर देखिए हमारा कंटिन्यूटी शो कर रहा है। इसका मतलब ये जो PN81 जो पावर आईसी है ये हमारा शॉर्ट है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा बचा है हमारा वाइपर बढ़ा है आईसी इसको भी मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह मैं यहाँ पर देखिए चारों लेग को यहाँ मैं टच कर दिया। देखिए यहाँ पर हमारा शॉर्टिंग। देखिए मैं यहाँ पर एक वाइपर भरा है जो आईसी है इसको मैं यहाँ पे मेरे पास न्यू अवेलेबल है तो मैं इसको आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर इसका पावर आईसी का नंबर जो हमारा वाइपर भरा है देखिए मैं इसको आप लोगों को टेस्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा बीप की साउंड नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर लेकिन हमारा जो पावर आईसी देखिए वाइपर भरा है जो आईसी था देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए इससे हमारा बीप की साउंड आएगा। देखिए आप सुन सकते हैं यहाँ पर इससे हमारा बीप की साउंड आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा पावर आईसी जो हमारा न्यू पावर आईसी है इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा कोई भी कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है तो इसमें से हमारा बीप की साउंड आ रहा है। देखिए आप लोगों को मैं अच्छे से फिर से दिखाता हूँ। देखिए मतलब ये जो पावर आईसी है ये हमारा ख़राब है। तो यहाँ पर जो हमारा PN81 जो पावर आईसी था इसको भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पर ये हमारा नया आईसी है। देखिए इससे भी हमारा बीप की साउंड नहीं आ रहा है। तो ऐसे आप यहाँ पर जो पावर आईसी इसको चेक करने के लिए आप ये जो पावर आईसी है कई बार हमारा ओपन हो जाता है कई बार ये आईसी हमारा शॉर्ट होता है। तो इस चीज़ को आप लोग को चेक करना कई बार ये आईसी हमारा ओपन होता है कई बार ये आईसी हमारा शॉर्ट हो जाता है। जब हमारा शॉर्ट होता है तो हम कंटिन्यूटी में हम सेट करके यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारा ये आईसी शॉर्ट बताएगा। तो हम यहाँ पे दूसरे आईसी को लगा के हम जो हमारा इंडक्शन कुकर या फिर और किसी डिवाइस को हम उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतने मिलते हैं अगले वीडियो में।